दोस्तों क्या आप जानते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया था। जब कंस ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया था तब पितामह भीष्म से उसका सामना हुआ था और दोनों में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, इस युद्ध में कौन विजयी हुए थे, कंस या गंगा पुत्र भीष्म, कंस और भीष्म में कौन थे ज्यादा शक्तिशाली, आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सनातन धर्म के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। महाभारत काल में तीन सबसे शक्तिशाली राज्य थे, मगध, पांचाल और हस्तिनापुर। ये राज्य इतने शक्तिशाली थे कि इनको परास्त करने की क्षमता किसी में भी नहीं था। इन राज्यों को देवता भी जीत नहीं सकते थे। मगध में शक्तिशाली जरासंध का राज था। जरासंध इतना शक्तिशाली था कि उसके आक्रमण से बचने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण और यादवों को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा था। पांचाल में द्रुपद का राज था। द्रुपद भी बहुत ही बलशाली राजा थे और हस्तिनापुर का रक्षण स्वयं पितामह भीष्म के हाथों था, इसलिए इन तीनों राज्यों को जीतने के बारे में कोई नहीं सोचता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया था। आखिर क्यों कंस ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया था, आखिर पितामह भीष्म के साथ कंस की क्या दुश्मनी थी। दोस्तों ये कहानी उस वक्त की है जब कुरु वंश को बचाने के लिए भीष्म जी ने विचित्र वीर्य के विवाह के बारे में सोचा। पितामह भीष्म ने आर्यावर्त के बहुत से राज्यों में विचित्र वीर्य के लिए कन्या ढूंढा, लेकिन कहीं भी उन्हें उत्तम कन्या प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने भारतवर्ष के सारे राज्यों में अपने सेनापति को भेजा ताकि विचित्र वीर्य के लिए उत्तम कन्या मिल सके। जब सेनापति ढूंढते हुए प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहाँ के राजा भगदत्त मनुष्यों की बलि दे रहा है। भारतवर्ष के कई प्रांत से इंसानों को बंदी बनाकर यहाँ बलि देने के लिए लाया गया था, जिसमें हस्तिनापुर के सैनिक भी थे। इस घटना को देखकर सेनापति ने हस्तिनापुर आकर पितामह भीष्म को इस अन्याय के बारे में बताया। दोस्तों पितामह भीष्म धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य थे, वो कभी भी अन्याय से समझौता नहीं करते थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि प्राग ज्योतिषपुर में मनुष्यों की बलि दी